सनातन धर्म महाविद्यालय के इन युवाओं के लिए ही है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सब परिचित हैं। जैसे ही हम महाविद्यालय में मेन गेट से एंटर करते हैं, आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा आपके समक्ष होती है। उनको देखते ही एक प्रेरणा हमारे मन में जगती है कि एक ऐसे समाज सुधारक, एक ऐसे दार्शनिक व्यक्ति जिन्होंने सभागार में आज के समारोह के मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं, सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिनंदन करेंगे। सनातन धर्म महाविद्यालय के सभागार में आज के समारोह के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी को इस मंच से मेरा पुनः नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम एक विशेष प्रयोजन के तहत आयोजित किया गया है। आज के युवाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए, उस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए हमारे बीच आज के समारोह के मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी उपस्थित हैं। सनातन धर्म महाविद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सह प्रांत प्रचारक हरियाणा है। इनके साथ श्रीमान सुंदरलाल जी जो विभाग प्रचारक हैं अंबाला विभाग से, अंबाला जगाधरी यमुनानगर एवं पंचकुला जिलों को ये देखते हैं। सभागार में इनके साथ श्री ओंकार जी जिला कार्यवाह अंबाला हमारे बीच उपस्थित है। माननीय श्री प्रदीप खेड़ा जी, माननीय जिला संचालक जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इनके साथ भारत विकास परिषद के अन्य गणमान्य सदस्य, विवेकानंद विचार मंच अंबाला के सदस्य, मानव विकास एवं संसाधन विकास केंद्र सनातन धर्म महाविद्यालय अंबाला, संस्कृत विभाग, राजनीति शास्त्र विभाग, इतिहास विभाग, रसायन शास्त्र विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के इस संयुक्त तत्वावधान में जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस अवसर पर मैं आप सभी का इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में सह जिला कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख श्री सागर भोला जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप उनका भी अभिनंदन करते हैं एवं प्राचार्य महोदय आज किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके हैं, उनकी जगह आशुतोष अमीराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर चलिए। हम सब परिचित हैं उस महान दार्शनिक के बारे में जिन्होंने भारत के उच्च मूल्यों को, सांस्कृतिक विरासत को, जीवन दर्शन को हमारे देश से बाहर विदेशों तक, पश्चिम तक पहुंचाया और युवाओं को जागृत किया।
अपने बल पर खड़ा होने के लिए मैं प्रेरित किया। आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी 39 वर्ष के अल्प आयु के दौरान उन्होंने जो जो काम इस देश के लिए, समाज के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए किए, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन या कहें सर्वधर्म संसद में जो भाषण दिया था, वो भाषण इतिहास के पन्नों में एक मुख्य भाषण के रूप में आज भी पूर्ण रूप से जागृत है। उसकी प्रासंगिकता आज भी हम युवाओं के लिए, संपूर्ण समाज के लिए एक चेतना का काम करती है और उसी विषय पर हमें जागृत करने के लिए, विचार विषय हमारे सामने हमारे युवाओं के लिए रखने के लिए हमारे बीच आज के माननीय हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सनातन धर्म महाविद्यालय परिवार की ओर से यहाँ पर उपस्थित होने पर डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी के औपचारिक स्वागत के लिए डॉक्टर आशुतोष अंगीरस जी से निवेदन करूंगा कि एक पौधा भेंट कर उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। अब मेरा निवेदन हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य माननीय नीता खेड़ा जी से कि आज के समारोह के अन्य अतिथि श्रीमान सुंदरलाल जी जो विभाग प्रचारक हैं, उनका भी स्वागत एक पौधा देकर आप उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर बालेश जी उपस्थित हैं। डॉक्टर चिमनलाल जी से मेरा निवेदन रहेगा कि माननीय श्री ओंकार जी को एक पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत इस मंच से हम करें। और राजनीति शास्त्र विभाग से प्रोफेसर ललित जी से मेरा निवेदन और सागर भोला जी से भी मेरा निवेदन कि एक पौधा भेंट कर श्री प्रदीप खेड़ा जी का स्वागत इस मंच से हम करें। धन्यवाद श्रीमान जी। आप सभी बुद्धिजीवियों का सनातन धर्म महाविद्यालय के विद्यार्थियों के समक्ष सामने इस तरह से उपस्थित होना हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि एक मंच से इतने बुद्धिजीवी विद्वान व्यक्ति जो समाज का चिंतन करते हैं, निरंतर अपनी यात्रा में समाज की भलाई के लिए, युवाओं की भलाई के लिए बातचीत करते हैं, तो एक बार उन्हें जोरदार तालियों से आपसे अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मुख्य वक्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर इन युवाओं के लिए प्रेरणा सब कहें। माननीय श्री सुरेंद्र जी,
सम्मानित मंच, वह कार्यक्रम में उपस्थित हुए आत्मीय बहनों भाइयों, कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय सेवा योजना एवं महाविद्यालय के कार्य विभाग, भारत विकास परिषद के सम्माननीय पदाधिकारी, आज हम विवेकानंद जी को स्मरण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। विवेकानंद जी 38 वर्ष 5 महीने और 24 दिन जिए। इस अल्प आयु के अंदर उनको केवल भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया में याद किया जाता है। विवेकानंद के बारे में अनेक लोगों ने टिप्पणियां की हैं, उनके बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहा है, यदि भारत को जानना है तो विवेकानंद का अध्ययन करिए, विवेकानंद का अध्ययन करेंगे तो भारत को जान जाएंगे। महर्षि अरविंद ने कहा, यदि दुनिया में कोई सामर्थ्यवान पुरुष हुआ है तो वो स्वामी विवेकानंद थे, वो साक्षात मनुष्यों के बीच एक सिंह के समान थे। महात्मा गांधी जी उनकी जब पुण्यतिथि पर बेलूर मठ में गए तो श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी के ग्रंथ बड़े मनोयोग से पढ़े हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरा स्नेह 1000 गुना बढ़ गया है। और उन्होंने युवकों से अनुरोध किया कि स्वामी विवेकानंद जी का जहां निवास रहा, जहां उन्होंने देह त्याग किया, उस स्थान पर अवश्य जाएं। उस स्थान पर जाने के बाद कोई व्यक्ति प्रेरणा लिए बिना नहीं लौट सकता, ऐसा विश्वास आदरणीय गांधी जी का स्वामी विवेकानंद जी के प्रति था। जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में टिप्पणी क्या की, वो प्राचीन और वर्तमान भारत के बीच एक सेतु के समान थे, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, गंभीरता और आत्म सम्मान उनमें भरा हुआ था, भारत को आगे बढ़ाने की उनमें तीव्र उत्कंठा थी, हताश और निरुत्साही हिंदू मानस के लिए वो एक संजीवनी औषधि के रूप में आए। उन्होंने हमें आत्मविश्वास प्रदान किया, ऐसा नेहरू जी ने उनके बारे में बोला। और अंतिम टिप्पणी, और भी अनेक हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने उनके बारे में कहा, यदि स्वामी विवेकानंद जी ने हमें कोई संदेश दिया है तो वो वह यह है कि निज की आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास रखो। मनुष्य के पास आध्यात्मिक शक्तियों का अक्षय भंडार है, उसकी आत्मा सर्वोपरि है, मानव अद्वितीय है, जगत में कुछ भी अपरिहार्य नहीं है। अपने सम्मुख आने वाली भीषणतम विपत्तियों तथा बाधाओं पर विजय पा सकते हैं, बस हमें आशा का, उत्साह का मानस बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार का स्वामी जी का व्यक्तित्व। स्वामी जी नरेंद्र थे,
नरेंद्र दत्त से, बचपन का नाम उनका नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद कैसे बने। पिताजी प्रतिष्ठित वकील थे और नरेंद्र अपने अध्ययन के साथ साथ अन्य पुस्तकों का अध्ययन में भी रुचि रखते थे। वो जिस पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे उसके बारे में मैं बात इसलिए विशेष समूह रख रहा हूं सबके, कि हम सब विद्यार्थी हैं। वो जब एक पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते थे। यहां तक उनके बारे में कहा जाता है कि पुस्तक का पहला पेज, बीच के पेजों को देखते थे, अंतिम पृष्ठ पढ़ने के बाद पूरी पुस्तक उनको बहुत अच्छे से स्मरण हो जाता है। एकाग्रता इस प्रकार की थी उनकी, उनका विद्यार्थी जीवन के बारे में, उनको जो पढ़ाते थे उनकी टिप्पणियां क्या थी, उनको पढ़ाने के बारे प्राध्यापक ने कहा, हिस्ट्री प्रिंसिपल थे उनके, उन्होंने कहा कि जर्मन और इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में नरेंद्र जैसा मेधावी छात्र नहीं है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रीक भाषा के अध्यापक पुरातत्ववेता जॉन हेनरी राइट उनके बारे में बोलते हैं कि अमेरिका में जितने विद्वान हैं सबकी विद्वत्ता यदि इकट्ठी कर ली जाए विवेकानंद जी उन सबसे ज्यादा विद्वान है। इस प्रकार के वो मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते रहे। सामान्य विद्यार्थी होता है, पढ़ाई करता है, अपने काम में लगा रहता है, लेकिन विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिले। रामकृष्ण परमहंस के मिलने से विवेकानंद नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने, नहीं तो एक सामान्य विद्यार्थी रहते। और दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि नरेंद्र दत्त को रामकृष्ण परमहंस ना मिलते तो वो भी काली माता देवी के मात्र अज्ञात पुजारी बन के रह जाते। दोनों के एक दूसरे से पहचान है। स्वामी विवेकानंद बनने की यात्रा में रामकृष्ण परमहंस का बहुत बड़ा योगदान है। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के काली माता के पुजारी रामकृष्ण परमहंस एक बार कलकत्ता में एक परिवार में आए। ये परिवार नरेंद्र दत्त का मित्र का परिवार था और कार्यक्रम था, कार्यक्रम में गीत बोलने वाली चाहिए ऐसे कार्यक्रम की योजना थी। तो अपने मित्र ने नरेंद्र दत्त को अपने घर पे बुलाया, वहां पर नरेंद्र दत्त और रामकृष्ण परमहंस की भेंट होती और भेंट होने के बाद रामकृष्ण परमहंस उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे वो वर्षों पहले एक दूसरे को जानते हैं। और जाते समय उनको मंदिर दक्षिणेश्वर आने का न्योता भी लेकर जाते हैं। कुछ समय के बाद नरेंद्र ये दक्षिणेश्वर मंदिर गए, रामकृष्ण परमहंस को मिलते हैं और रामकृष्ण परमहंस इनको मिलते ही क्या बोलते हैं, अरे तुम इतनी देर क्यों लगा दी तुमने, मैं तो तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा जन्म तो मानवता के कल्याण के लिए हुआ है, तुम तो नर रूप में नारायण हो। ऐसी टिप्पणी जब उन्होंने की तो इसको समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करें, मेरे से क्या अपेक्षा रख रहे हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की निश्चल बातचीत इनको अपनी ओर आकर्षित भी कर रही थी। एक भेंट हुई, दूसरी भेंट हुई, तीसरी भेंट हुई, रामकृष्ण परमहंस की बातें ऐसी थी, आध्यात्मिक बातें थी और वो हर बातचीत में, हर भेंट में, हर मुलाकात में नरेंद्र को असामान्य व्यक्ति बताकर प्रस्तुत करते थे कि तुम्हारा जन्म तो मानव कल्याण के लिए हुआ है, तुम इस सृष्टि पर कुछ विशेष करने वाले हो, तुम नर रूपी नारायण हो आदि। नरेंद्र को लगता था ये पागल है, ये पागलों जैसी बात कर रहा है, देखने में भी ऐसा लगता है, बातचीत भी ऐसी कर रहा है, लेकिन उनकी बातचीत क्योंकि निश्चल थी
उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, तो नरेंद्र उनकी तरफ आकर्षित भी होते चले गए। नरेंद्र के बीच पारिवारिक आर्थिक संकट भी आया, उस आर्थिक संकट की भी वो चर्चा फिर करने लगे रामकृष्ण परमहंस से। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन उनको कहा कि तुम काली माता के पास जाओ, जो मांग सकते हो मांगो, वो मिल जाएगा तुम्हें। नरेंद्र मंदिर के अंदर घुसे काली माता के, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस अनन्य भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो उनको नरेंद्र मिलकर कहते हैं, पूजा करते हुए कहते हैं, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। आजकल का विद्यार्थी क्या मांगता हम सब जानते हैं, मुझे पास करा दो, आईफोन 14 आने वाला है, आदि आदि। लेकिन उन्होंने क्या मांगा, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये तुमने क्या मांगा, नहीं मुझे वो कुछ चाहिए नहीं, यही चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा और उस प्रेरणा के भाव जागरण के परिणाम स्वरूप नरेंद्र ये स्वामी विवेकानंद बने। एक दिन केशव चंद्र सेन और कुछ सामाजिक लोग वहां पर बैठे थे, चर्चा चल रही थी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, केशव चंद्र सेन के पास जो शक्ति है, जिस शक्ति के कारण उनकी प्रतिष्ठा है, वो ब्रह्म समाज के थे, उनके पास एक ही शक्ति है, उसके कारण वो प्रतिष्ठित हुए। केशव चंद्र सेन जब इकट्ठे बैठे थे, जब वो चले गए, तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ऐसी 18 शक्तियां नरेंद्र में विद्यमान है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो असामान्य व्यक्ति है, और असामान्य काम ही वो करने वाला है। और हम सब जानते हैं कि विवेकानंद जी ने एक विद्यार्थी से स्वामी विवेकानंद की यात्रा पूर्ण करने के बाद पूरे देश का भ्रमण किया। जैसा उन्होंने मांगा कि मुझे वैराग्य चाहिए, भक्ति चाहिए, उस भाव को लेकर उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और समाज के दर्शन किए, समाज कैसे रहता है, देश में लोग कैसे रहते हैं, तो अनुभव ये किया, निष्कर्ष ये निकला कि कहीं अज्ञानता है, कहीं भुखमरी है, कहीं पागलों जैसा लोग भूख के कारण व्यवहार करते हुए भी लोग उन्होंने देखे। देश के अनेक स्थानों पर लोग गए, अनेक स्थानों पर उनको अनेक लोगों के द्वारा सहायता मिली, समर्थन भी मिला। और उन्हीं दिनों जो आज का अपना मुख्य कार्यक्रम है, अमेरिका के अंदर शिकागो के अंदर एक धर्म सम्मेलन होना है, धर्म सभा होनी है, उसके अंदर दुनिया भर के लोग अपना मत रखने के लिए आने वाले हैं, ऐसी जानकारी उनको मिली और उन्होंने भी वहां जाने का मत बनाया। उससे पूर्व जब वो देश का भ्रमण कर रहे थे, कन्याकुमारी के बिल्कुल छोर पर पहुंचे और समुद्र में फिर उन्होंने छलांग लगा दी और एक चट्टान पर जाकर बैठ गए। 3 दिन तक वहां पर वो बैठे रहे, समुद्र के बीच में चट्टान में 3 दिन तक बैठकर उन्होंने जो देश भर का भ्रमण किया, उसका गहन चिंतन मंथन किया। मेरा देश कैसा है, मेरे देश के लोग कैसे हैं, मेरे देश का चिंतन क्या है, मेरे देश की आवश्यकता क्या है, मेरे देश का संघर्ष का काल कैसा रहा, इन आदि आदि इन सब बातों का उन्होंने एक निष्कर्ष निकाल लिया और उसके बाद वो धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए, प्रतिभागी बनने के लिए अमेरिका के लिए रवाना हुए। अनेक लोगों ने सहायता की उनकी। जाने के बाद पता लगा ये तो 1 महीने के बाद होगा, 1 महीना पहले पहुंच गए, अब 1 महीना वहां रहे कैसे, सर्दी वहां का, वातावरण वहां का, समाज जीवन ये अलग तरह का, ये कल्पना नहीं कर सकते थे। उनके वस्त्रों को देखकर लोग मजाक करते थे, थपतियां कसते थे, ये कब कौन आ गए हैं, कैसी इनकी वेशभूषा है, और कचरे का जो डिब्बा होता है उसमें भी उनको रात गुजारनी पड़ी, रेल के डिब्बे में भी रात गुजारनी पड़ी। विवेकानंद को कोई जिसे कहें के आश्रय देने को भी तैयार नहीं था।
लेकिन समय और परिस्थिति बलवान होती है, जिसका ध्येय उच्च होता है उसको वैसे लोग मिल जाते हैं। तो एक परिवार उनको मिला, परिवार ने अपने पास रखा और धर्म संसद में जाने की उनकी सारी औपचारिकताएं भी पूरी करवाई और स्वामी विवेकानंद जी धर्म संसद में गए 11 सितंबर 1893। विश्व की एक बहुत बड़ी एक घटना, स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाली घटना, शिकागो शहर 7000 लोग एक सभागार में बैठे हैं, मंच पर अनेक मतों के प्रतिनिधि, अनेक स्थानों से आए हुए लोग अपने अपने मत की बात रखने के लिए बैठे हैं और सब बारी बारी बोलते चले गए, अपना मत रखते थे बैठ जाते थे, अपना मत रखते थे बैठ जाते थे, कोई लिख के लाया, कोई तैयारी करके लाया, कोई नोट्स बना के लाया, ऐसा एक दृश्य वहां पर चल रहा था। स्वामी विवेकानंद जी लगभग अंत में बोले और बोलने के लिए जब खड़े हुए, वो पहला जो शब्द संबोधन के रूप में बोलते हैं, अमेरिका के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बहनों को पहले संबोधित किया। इस संबोधन को सुनने के बाद, क्योंकि पूर्व के वक्ता तो सब औपचारिकता मंत्र कर रहे थे, इस संबोधन को सुनने के बाद उन 7000 लोगों को लगा कि ये इस प्रकार का विचार रखता है भारत का व्यक्ति, जो सबको अपने साथ जोड़ता है, भाई और बहन का संबंध जिसने स्थापित कर लिया पहले वाक्य में हमारे साथ। 7000 लोग, हम कल्पना करेंगे 7000 लोग अपने स्थानों से खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट 2 मिनट तक होती रही। स्वामी विवेकानंद जी ने सब औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद कहा कि मैं ऐसे देश से आया हूं, मैं ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता हूं, मुझे उन लोगों ने भेजा है जो लोग असीम सहिष्णुता का पालन करते हैं, जो लोग दुनिया में जो अच्छा लगेगा उसको ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, जो लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, वो उनको चुनौती देते हुए एक तरह से सबके बीच में बड़े उत्साह से, कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं कि मुझे उन लोगों ने भेजा है जो लोग मानवता के पक्षधर हैं। और तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने अपने रिलीजन को लेकर, अपने धर्म को लेकर पूरी दुनिया को रक्त रंजित करने का काम किया है, और मेरे देश के लोगों ने दुनिया में से तुम्हारे द्वारा प्रताड़ित किए हुए लोग, अपमानित किए हुए लोग, बाहर निकाले हुए लोग, मेरे देश के लोगों ने उनको शरण दी है, मेरे देश के लोगों ने उनको यहूदियों को, ईसाइयों को, पादरियों को, सबको उनके अनुसार धार्मिक स्थल बनवा कर दिए, मेरे देश के लोगों ने सबको संरक्षण दिया है, मेरे देश के लोगों ने सबका सम्मान किया है, मैं उस देश का प्रतिनिधि हूं, मैं उस देश का प्रतिनिधि हूं। तुम मानते हो ये हिंदू शब्द है जो, ये कोई संकुचित नहीं है, ये विशालता है इसके अंदर, इसका हृदय बड़ा विस्तृत है, ये सबके सुख की कामना करता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये विचार ये सबके सुख की कामना करता है, ये सर्वे भवन्तु सुखिना के कल्याण की कामना करता है, सब सुखी हो, सब रोग मुक्त हो, कोई दुखी ना हो। और हमारे यहां ये हमारे ऋषि मुनियों ने जिस वाक्य को दिया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इस भाव को लेकर उन्होंने बताया कि हम सबके कल्याण की बात करते हैं, हम मानते हैं, मेरे देश के लोग मानते हैं, मेरे देश के दर्शनीय मानता है कि ईश्वर सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, जो मैं हूं वही आप हैं, मैं और आप अलग हो ही नहीं सकते, एक्सक्लूसिव है। तो इस भाव को लेकर उन्होंने सारी जो सभा थी सबके सामने एक से एक बिंदु के बारे में वो चर्चा करते चले गए, सामने वालों के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि जो ये हमारा विचार है, सबके कल्याण करने का विचार है, ये बड़ा विस्तृत विचार है, बृहद है, इसके अंतर्गत हम सारी दुनिया का सुख चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, हमने कभी किसी को किसी के ऊपर
हमारी ही बात ठीक है, हमारा ही धर्म ठीक है, हमारा ही विचार ठीक है, हमारा ही मूल्य ठीक है, इस बात को लेकर किसी को अपना विचार अन्य थोपा नहीं है किसी के ऊपर। तुमने अपने विचार को थोपा है, जो जिन्होंने तुम्हारा विचार नहीं माना उसको तुमने मरने के लिए भी मजबूर किया। ये बड़ी हिम्मत के साथ विवेकानंद जी कह रहे थे। और जो तीसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मेरे देश के अंदर जमीन को मातृभूमि के रूप में मानते हैं, माता भूमि पुत्रो है पृथ्वीया, ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। और हम सब ये अपने दैनंदिन जीवन में भी व्यवहार करते हैं, ये अपने देश का एक सिद्धांत है कि धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं, ऐसा वेदों में वर्णित है। उसी विचार का प्रतिपादन उन्होंने किया। हमारे यहाँ एक लड़ी जाता है भारत के अंदर भी या दुनिया के किसी भी देश में जाकर, वो सबसे पहले भूमि को प्रणाम करता है। क्या भाव है इसके पीछे? इसके पीछे भाव है कि मैं इस धरती का पुत्र हूँ, मेरा जन्म अम्बाला में हुआ होगा, हरिद्वार में हुआ होगा, काशी में हुआ होगा, मैं उस स्थानीय स्थान का बेटा नहीं, बेटा बेटा बेटी नहीं हूँ, मैं अम्बाला का बेटा नहीं हूँ, मैं बेटा इस पृथ्वी का हूँ, इस मातृभूमि का हूँ। इस भाव को लेकर उन्होंने सबके सामने एक विचार रखा। और इस भाव का उन्होंने प्रगटीकरण कैसे हुआ? जब स्वामी विवेकानंद जी दुनिया के देशों में घूमकर आए, यहाँ के लोग स्वागत के लिए उनके खड़े थे, तो समुद्री यान से जब नीचे उतरे तो वो उतरते ही मिट्टी में लोटपोट होने लगे। लोग कहने लगे जो स्वागत के लिए आए थे, स्वामी जी ये क्या है? उन्होंने कहा मैं इस मिट्टी को लगाकर अपने शरीर को पवित्र करना चाहता हूँ, मैं भोग की भूमि से घूम के आया हूँ, ये भूमि ये मिट्टी ये मेरे लिए पवित्र है और इसका कण कण मेरे लिए पवित्र है, कंकर पत्थर नहीं है, मैं इस मिट्टी को शरीर पे लगा के फिर से पवित्र करना चाहता हूँ। इस प्रकार का मातृभूमि के प्रति भाव मेरे देशवासियों का है। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी सब मत पंथ अलग अलग मार्ग से चलते हैं, सबकी पूजा पद्धति उपासना पद्धति अलग अलग है, लेकिन ईश्वर का मार्ग अंत में पहुंचने का सबका एक ही है। इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि सबके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, उपासना पद्धति पूजा पद्धति मत पंथ ये सब अलग अलग होने के बाद भी जिस प्रकार नदियां अलग अलग स्थानों से निकलकर अंत में एक स्थान पर मिल जाती हैं, इस प्रकार का हिंदू विचार है, इस प्रकार का भारतीय विचार है, इस प्रकार भारत के लोग सोचते हैं। मेरे देश के लोगों ने कभी एक पुस्तक को लेकर ही विचार नहीं किया। हमारे यहाँ कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग ढंग से बोलते हैं, थाउजेंड थाउजेंड पीपल में से कह सकते हैं लोग, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है सबको। और हम सब अनुभव करते हैं कि अपने देश में सब प्रकार की पूजा पद्धति उपासना पद्धति अलग अलग होते हुए भी आज तक झगड़ा नहीं हुआ किसी का, इसके छूटा हमारे यहाँ। हमने कहा आनो बद्रा कृतवो यंतु विशुता, दुनिया में जो अच्छा लगेगा उसको ग्रहण करेंगे, इस विचार को उन्होंने सबके सामने रखा। तो इस प्रकार स्वामी जी जो बोल रहे थे वो लोग सुन रहे थे, उन लोगों के पास जितने स्वामी जी ने विषय रखे किसी का कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने मानवता की बात की, उन्होंने धर्म की बात की कि धर्म के आधार पर पूरी सृष्टि का कल्याण निहित है। धर्म ये दो व्यक्तियों को लेकर बनता है, एक के साथ नहीं बनता। पुत्र का धर्म है तो पिता तो चाहिए, बेटी का धर्म है तो पिता तो चाहिए, पत्नी का धर्म है तो पति तो चाहिए, अकेले का धर्म नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा धर्मो रक्षति रक्षता, ये तो धर्मस्तो जय, धर्म समाज की, धर्म के आधार पर समाज की। धर्म वो है जो जीवन जीने का तरीका सिखाता है, धर्म वो है जो व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है, समाज जीवन में रहना कैसा ये सिखाता है। इस प्रकार का विचार उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा। और इसके बाद वो सत्र 17 दिनों तक चला। 17 दिनों के बाद भी अंतिम भाषण उन्हीं का हुआ 17वें दिन सबके बोलने के बाद। और उपसंहार में वो बोलते हैं कि दुनिया के सब मत पंथ धर्म इनमें कलह नहीं चाहिए, सामंजस्य चाहिए, मित्रता चाहिए, मिलकर
आगे बढ़ सकते हैं, सब मिलकर विचार कर सकते हैं, सब मिलकर चिंतन कर सकते हैं, सब मिलकर मानवता के लिए, समाज के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए सामूहिक विचार कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपना वक्तव्य जो रखा, मैंने उसका सार आप सबके सामने रखने का एक प्रयास किया। अन्य विषयों पर कुछ स्वामी जी का चिंतन, शिक्षा के बारे में उनका मत रहता था कि अंदर ही है, केवल उसको उभारने की आवश्यकता है। शिक्षक की इसमें बड़ी भूमिका है। हर व्यक्ति के अंदर निहित है, हर व्यक्ति के अंदर शक्ति निहित है। जिस प्रकार एक पत्थर को तोड़ते हैं हम, एक पत्थर होता है दिखने में गोल दिखता है, उस पत्थर को एक कारीगर लेकर हथौड़ी से, छेनी से उसके अनावश्यक पत्थर को हटा देता है, मूर्ति तो अंदर है उसके। इस प्रकार स्वामी जी ने कहा कि ज्ञान मनुष्य के भीतर है और मनुष्य जो कुछ भी सीखता है वो उसका आविष्कार है। और शिक्षा कैसी चाहिए, शिक्षा का सार तत्वों का, तथ्यों का संकलन नहीं है बल्कि मन की एकाग्रता है, कंसंट्रेशन पर वो बहुत जोर देते हैं। और हम सब विद्यार्थी हैं, जब हम अपने लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य होगा अपना, कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक हम उस लक्ष्य की ओर एकाग्र नहीं होंगे, कंसंट्रेट नहीं होंगे पूरी तरह, तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एकाग्रता कैसे होती है, एक बचपन की घटना है उनकी, बचपन की यानी विद्यार्थी कुछ खेल रहे थे, ये जा रहे थे, विद्यार्थी निशाना लगा रहे थे, बंदूक थी उनके पास तो निशाना नहीं लग रहा था। विवेकानंद जी उनके बीच में चले गए, उन्होंने कहा ये बंदूक मुझे दिखाओ, दिखाई, पहली बार में निशाना लगा दिया। तो बड़े विद्यार्थी आश्चर्य हुआ उनको, तो उनको कहा कि जीवन में सीखना है तो केवल एकाग्रता सीखिए। कोई भी काम जब करते हैं हम एकाग्र होकर करते हैं तो उसका परिणाम 100% होता है। फिर उन्होंने कहा शिक्षा कैसी, शिक्षा वो जो चरित्र निर्माण करे। शिक्षा कैसी, शिक्षा मानसिक शक्ति की वृद्धि करे। सारा खेल मन का होता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हम कुरुक्षेत्र की भूमि के लोग हैं, सारा ही महाभारत मन के ऊपर ही है। अर्जुन का मन बार बार विचलित होता था, बार बार परेशान होता था, तैयार ही नहीं होता था। उसका मन तैयार करने के परिणाम स्वरूप ही तो गीता है। तो मन पक्का करना, मन मजबूत करना, मन एकाग्र करना, मन को टिकाए रखना, मन को समझाना, ये एक बड़ी बात है। तो मन की शक्ति का विकास हो, और उन्होंने कहा कि बुद्धि का भी विकास हो, बुद्धि का विकास भी चाहिए व्यक्ति का, केवल शारीरिक विकास नहीं। शारीरिक विकास के बारे में भी बोलते थे, वो बोलते थे कि तुमको अगर गीता पढ़नी है तो पहले मैदान में जाओ, फुटबॉल खेल कर आओ। यानी शारीरिक विकास पर भी वो बल देते थे कि व्यक्ति जैसे आवश्यक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सब कामों को करने का आधार शरीर है। शरीर स्वस्थ नहीं होता तो हम आज यहां नहीं बैठे होते, शरीर स्वस्थ नहीं होता तो मैं नहीं बोल रहा होता। किसी भी काम को करने का आधार शरीर है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है परीक्षा की, सुबह उठे अस्वस्थ हो गए, क्यों नहीं पास हो पाए, इस साल मैं बीमार हो गया, परीक्षा नहीं दे पाया। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। तो इस पर उनका बल रहता था कि मैदान में जाओ, खूब श्रम करो, बलशाली बनो, शक्तिशाली बनो और बुद्धिमान भी बनो। उसके लिए जैसे उनकी रुचि थी अलग अलग विषयों का अध्ययन करने की, पुस्तकें पढ़ने की, समाज जीवन से संबंधित पुस्तकें पढ़ने की, जानकारी बढ़ाने संबंधी पुस्तक पढ़ने की, अपने पाठ्यक्रम से अलग पुस्तकें पढ़ने का भी स्वभाव हम सब विद्यार्थियों को बनाना चाहिए। विवेकानंद जी के अनुसार कि अपना बौद्धिक विकास हो। कुल मिलाकर शिक्षा वो, मुझे एक प्रसंग याद आता है, एक बार एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था बहुत, वो नाव में बैठ गया, नाव चलाने वाला है, तो जो चलाने वाला है ये बैठा, थोड़ी नाव आगे तक चली, तो इसने कहा, नाव चलाने वाले को कहा, कॉलेज में पढ़ाता था ये, इन्हें कहा आपको फिजिक्स आती है, उसने कहा बाबूजी क्या बोला आपने, मेरे समझ में नहीं आया ये। तो उन्होंने कहा तेरी 25% जिंदगी बेकार, थोड़ी नाव और चलती रही है, उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा तेरे को मैथ आता है, उन्होंने कहा ये भी मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो, बोले 50% जिंदगी बेकार। केमिस्ट्री आती है, वो उतरना ही होना था कि 75% बेकार। अब नाव चलती गई आगे तक, थोड़ा हवा का भाव भी तेज हुआ,
और नाव डोलने लगी। अब इसकी बारी आई पूछने की। ये कहता है बाबूजी आपको तैरना आता है? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा आपकी 100% बेटा। तो जो शिक्षा है, शिक्षा वो है जो समाज में तैरना सिखाए। तैरने का अर्थ क्या है? जो समाज जीवन में व्यवहार करना सिखाए। समाज में मुझे कैसे रहना है, समाज में कैसा व्यवहार करना है, मुझे चरित्रवान बनना है, मुझे मन से मजबूत बनना है, मुझे बौद्धिक विषयों की जानकारी होनी है, मुझे हर परिस्थिति में काम करने का स्वभाव डालना है। मुझे शिक्षा वो जो हर चुनौती में से मार्ग निकालने का एक मार्ग प्रशस्त करे। शिक्षा वो जो समाज में रहते हुए इसका सम्मान करना, कितना करना, कैसे करना, ये सब बातें सिखाई। यानी समाज में व्यवहार करना कैसा, ये शिक्षा सिखाती है। इस प्रकार का उनका शिक्षा के बारे में कहना रहता था। और आज जब हम उनके विचारों के बारे में सोचते हैं, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो युवकों से आह्वान किया, उन्होंने जो शिक्षा के बारे में चिंतन किया, उन्होंने जो अपने देश के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, मूल्यों के बारे में, धर्म के बारे में, किस प्रकार समाज जीवन में व्यवहार करना, किस प्रकार समाज जीवन में रहना, इस प्रकार का चिंतन जो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा, आज भी वो चिंतन देश दुनिया के लिए ग्राह्य है। उन्होंने 3 शब्द प्रयोग किए। तुम तभी और तभी हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब तुम्हें कोई भी खड़ा हुआ व्यक्ति कष्ट में है, तुम्हें अपना लगता है, उसको देखकर तुम्हें लगता है ये मेरा भाई है, ये मेरा अपना है, इसमें अपनत्व का भाव पैदा होता है, तो तुम तभी हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। फिर वो कहते हैं यदि ये शब्द सुनकर तुम्हारे शरीर के अंदर एक क्षोभ पैदा होता है तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो, और इस पीड़ा को देखकर तुम्हारे मन के अंदर तीसरी बात कुछ करने की इच्छा होती है, केवल बात बात नहीं, करने की इच्छा होती है, करने का मन होता है, समाज के लिए कुछ करने का प्रश्न खड़ा होता है हमें, तुम तभी कहलाने के अधिकारी हो। तो इस प्रकार उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक मानवता का संदेश दिया। एक समाज में भारतीय मूल्य क्या है, भारतीय चिंतन क्या है, इसका एक संदेश सारी दुनिया के सामने रखा। ऐसे अवसर पर मैं 2-3 बिंदु निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का तो अध्ययन हम सब करेंगे ही। मुझे लगता है हम सबको देश के बारे में भी जानना चाहिए। देश के बारे में जानना है क्या? अपने देश का इतिहास क्या है, अपने देश की संस्कृति क्या है, अपने देश का भूगोल क्या है, अपने देश की जीवन रचना क्या है। तो देश को जानो और देश को मानो। आज पूरी दुनिया भारत के बारे में विचार कर रही है, भारत से प्रेरणा ले रही है। हम बोलते थे जगत गुरु, विश्व गुरु, आज ऐसी स्थिति फिर से बनती जा रही है कि दुनिया के अंदर हमारी बात सुनी जाती है। दुनिया के बारे में जब हम कोरोना जैसे महामारी के समय में औषधि भेजते हैं तो वहां उसका स्वागत किया जाता है, संजीवनी की तरह स्वागत होता है। दुनिया के सामने जब हम योग का विषय रखते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है, और दुनिया के लगभग 200 देश उसको एक मत से स्वीकार करते हैं, और 21 जून को ऐसा लगता है पूरी दुनिया भारत के कहने पर ही योग कर रही है। अर्नोल्ड टोइनबी बहुत बड़े इतिहासकार है, नोबेल पुरस्कार मिला उनको, वो एडनबर्ग के दीक्षांत समारोह में भारत के बारे में बोलते हुए कहते हैं इंडिया विल बी लीडर इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के नेता हम ही होंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के लोग बोल रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर वहां का एक दीक्षांत समारोह हो रहा है, वहां के प्रेसिडेंट वहां के विद्यार्थियों को समझाते हुए कहते हैं कि तुम भारत की तरह चिंतन करो, और ऋग्वेद का एक श्लोक बोलते हैं सबके बीच में, संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। वो कहते हैं कि भारत में लोग मिलकर सोचते हैं, मिलकर विचार करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। ये जो सूत्र भारत के लोगों ने ऋग्वेद से पकड़ा है और सफलता प्राप्त की है, तुम ऐसा चिंतन करो। इस प्रकार दुनिया के लोगों का भारत के बारे में जानना, तो भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो,
बनना यानी क्या है, केवल वोटर लिस्ट में नाम हो जाना, आइडेंटिटी कार्ड बन जाना, ये बनना नहीं है। बनना क्या है, जो स्वामी जी ने कहा है, उन मूल्यों के आधार पर विचार करना, उन मूल्यों को आत्मसात करना, उन मूल्यों के अनुसार जीना, देश के लिए जीना, विचारों के लिए जीना। स्वामी विवेकानंद जी अल्प आयु के अंदर विचारों के आधार पर दुनिया में भारत का स्थान, बड़ा स्थान बने, गौरवान्वित हो अपना देश, वो उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, समाज के लिए, देश के लिए जिए। और भारत को बनाओ यानी हम जिस काम में लगे हैं अभी शिक्षा के क्षेत्र में, हम कल अलग अलग क्षेत्र में जाने वाले हैं। कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई वकील बनने वाला है, जिस भी क्षेत्र में हम जाएंगे वहां पर ईमानदारी से, प्रमाणिकता से, देश को सामने रखकर, देश मेरा, मैं देश के लिए, ऐसा विचार यदि हम सब करते हैं और अपने जीवन का पथ एकाग्रचित होकर मन में अपना लक्ष्य पक्का करके और उस लक्ष्य के अनुरूप उतनी मेहनत का विचार करते हुए, अगर हम सब विद्यार्थी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो मुझे लगता है आज का ये कार्यक्रम ये सफल होगा और परमात्मा हमें इस काम में यशस्वी करे, शक्ति प्रदान करे। इतना कह के इतना निवेदन करता हुआ विषय पूर्ण करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। मुझे लगता है जिस प्रयोजन के लिए, जिस विषय के लिए आप लोगों से वार्ता करने के लिए हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, वो उसमें कामयाब रहे हैं कि आज के युवा को कैसा होना चाहिए और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से उन्हें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से आह्वान किया था कि आपको निडर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए और आपको हर समस्या के समाधान के लिए मिलजुल कर आत्मसंयम के साथ बौद्धिकता पूर्ण काम करना चाहिए। सभी युवा एक साथ आए, चरित्र निर्माण के साथ आगे आए तो देश और समाज का भला हो सकता है। और शिकागो का जो सर्वधर्म सम्मेलन था उसके माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के जीवन मूल्य कितने अच्छे हैं, भारत के लोग कैसे हैं, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत कितनी मजबूत है, भाईचारा, सार्वभौमिक भाईचारा या दुनिया में प्यार प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए भारत के लोग जाने जाते हैं। उससे पहले इस ढंग से हिंदू धर्म की व्याख्या या हिंदू धर्म के गौरव को इस तरह से पश्चिम के लोगों के सामने शायद ही कोई दार्शनिक रख पाया हो। तो आज भी लगभग 120 वर्ष पहले हमारे बीच 1902 में स्वामी विवेकानंद जी इस धरा से चले गए थे, लेकिन उनके विचार, युवाओं के प्रति उनकी प्रेरणा आज भी हमारे बीच यूं की यूं है। और जैसा कि माननीय मुख्य वक्ता ने हमें बताया कि हर विद्यार्थी को चरित्रवान होना चाहिए, तभी वो समाज के काम आ सकता है। और एकाग्रता से अपना काम कीजिए, जहां पर आप उपस्थित होते हैं पूरा मन लगा के उस काम को कीजिए। आप कोई सम्मेलन, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी वर्कशॉप जब अटेंड करते हैं तो पूरा मन लगा के वहां से सीखने की चेष्टा कीजिए कि जो सामने व्यक्ति है वो एक बुद्धिजीवी है और उसके जीवन का पूरा अनुभव है, वो आपसे साझा करना चाहता है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक बार जोर से मुख्य वक्ता जी की बातचीत के लिए जोरदार तालियों से आप एक बार। और आप सभी को ये विचार लेके जाना है, ये संकल्प लेके जाना है कि सनातन धर्म महाविद्यालय के जो युवा विद्यार्थी हैं, अपने जीवन में जिस भी जगह पे जाएंगे, जो भी काम करेंगे, हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे, अपने माता पिता का, समाज का, और अच्छे काम करके दिखाएंगे, तभी इन सब अच्छी बातों का कोई मतलब बनता है। तो इसके लिए सभी तैयार हैं? ऐसे जोश नहीं, विवेकानंद जी ने ऐसे जोश की बात नहीं कही थी, अच्छे वाले जोश की। सभी संकल्प करते हैं? बहुत बढ़िया।
एक वाक्य आप सभी को याद होगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आप जो भी निश्चय करते हैं अपने जीवन में करने के लिए, उसको पूरी एकाग्रता के साथ, पूरा मन बना के उस काम को शुरू करें, पूरी जागृति के साथ कि इसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर, समाज पे, मेरे देश पे पड़ने वाला है, उस चीज का जागरण करके पूरे मन के साथ उसमें लगें। तो आपने बड़े मन से, बड़े ध्यान से इस चीज को सुना, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए। अब औपचारिक रूप से कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं निवेदन करूंगा आशुतोष जी से कि एक बार मंच पर आकर आज के जो मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं उनका धन्यवाद वो औपचारिक रूप से करें। आशुतोष जी। आशुतोष जी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्रसारण के लिए भी बड़े बिजी रहे हैं, ये कार्यक्रम ऑनलाइन भी काफी लोग सुन रहे देख रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर जोगेंद्र जी, मुझे जो आज मौका मिला है आप लोगों के साथ बैठने का, विचार सुनने का, समझने का और अपनी दृष्टि को विकसित करने का, उसके लिए तो सबसे पहले मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद आज जो विद्यार्थी जिन्होंने अपना धैर्य दिखाया है, जिन्होंने अपनी मर्यादा को पहचाना है, उनका मैं विशेष रूप से कॉलेज की ओर से, उनके विभागों की ओर से, उनके अध्यापकों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं आप सबके साथ, मैं ये बात भी साझी करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम आपके विभाग और कॉलेज जो आयोजित करता है, वो केवल कार्यक्रम आयोजित करना उसका लक्ष्य नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कम से कम सनातन धर्म कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित करना लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य होता है आप लोगों का संस्कार करना, आप लोगों को विचार देना, आप लोगों के भीतर चेतना का विस्तार करना। क्योंकि विद्यार्थी की चेतना का विस्तार नहीं होगा, उसे विचार करना नहीं आएगा, तो आपको क्या लगता है कि आप आगे जाके क्या करने वाले। इस देश को विचारकों की अधिक जरूरत है और आपके अध्यापक आपको विचार करना सिखाना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के विचारों को आपके साथ समायोजन कराना चाहते हैं, उससे परिचय कराना चाहते हैं। आज का कार्यक्रम केवल विवेकानंद से परिचय नहीं था, उनके विचारों से परिचय था। इसी तरह से समय समय पर आपके विभाग, ये कॉलेज इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है कि विभिन्न लोगों से, विभिन्न विचारकों से, विभिन्न महानुभावों से आपका परिचय हो और आपके देखने समझने की दृष्टि विकसित हो। केवल परीक्षा पास करना, जैसे कि मुख्य वक्ता ने ये बात अपने बीच में कही ही थी कि केवल आपको रटाना, आपको क्लासेस लगाना, घंटी बजाई और उधर चले गए, केवल इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। किताबें पढ़नी है, वो एक खास तरह का प्रशिक्षण है, लेकिन प्रशिक्षण के साथ आपको शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण यही है कि आप एक तरह के शब्दों को पहचानते हैं, एक तरह के मुहावरों को पहचानते हैं अपने अपने विषयों के, लेकिन उससे अतिरिक्त जब आप सुनते हैं तो वो सारे के सारा आपके भीतर जुड़ता है। अन्यथा टेक्नोलॉजी के प्रवाह में आप लोग विचारक नहीं हो सकते। ये एक घंटा जो आप लोगों ने अपने मोबाइल में ही देखे होंगे, तो ये आपके 24 घंटे का सबसे मूल्यवान वक्त है, सबसे मूल्यवान ये समय है, क्योंकि इसने सचमुच आपके चेतना में, आपके जीवन में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है, नहीं तो मोबाइल पे लगे रहते और कुछ हासिल होने वाला नहीं था। तो इसलिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने धैर्य पूर्वक को सुना और एक अलग सा अनुभव आप लोगों ने किया। मुश्किल होता है,
कि क्योंकि हमें आदत नहीं होती इस तरह की बातें सुनने की और इस तरह के जो हमें एक्सपोजर दिए जाते हैं उसकी आदत नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि इस तरह का एक्सपोजर आपको मिले और आप लोगों के अपने जीवन की दिशा आप स्वयं निर्धारित कर सकें विचार पूर्वक। दूसरी बात, विवेकानंद के शब्द को ही आप देखिए, व्यक्ति छोड़ दीजिए, व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उसका विचार होता है। विवेक में आनंद है, ये चर्चा इसीलिए थी कि हमें विवेक करना आए। हम कंपल्सिव चॉइसेस के साथ चलते हैं जीवन में, हमें बाधित कर दिया गया है, बांध दिया गया है। आपको लगता है कि आपको फ्रीडम दे दी गई है, कोई टेक्नोलॉजी कोई इंडस्ट्री आपको फ्रीडम नहीं देती। फ्रीडम कौन देता है? ये विवेकानंद फ्रीडम देते हैं। क्यों? क्योंकि नाम में ही विवेक है। आप जो उचित है अनुचित है उसको जानते हैं, उसका विचार करना सीखते हैं, और जिस दिन विचार करना आ गया उस दिन आप आनंद में होंगे। अगर ये नहीं सीखा तो फिर आप एक प्रशिक्षण तो ग्रहण कर सकते हैं लेकिन उसका कोई बहुत लाभ आगे चल के नहीं होने वाला। मनुष्य नहीं हो सकते आप, तो एक रोबोट हो सकते हैं, एक रोबोट की तरह चिंतन कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट की तरह आप काम कर सकते हैं, कंप्यूटर के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए महत्व आपका मनुष्य होना है। इसीलिए सनातन धर्म है। धर्म का मतलब कोई रिलीजन थोड़ी है, कहां लिखा हुआ है कि धर्म का मतलब रिलीजन है, लेकिन पढ़ा हम यही रहे कि रिलीजन का मतलब धर्म, धर्म का मतलब रिलीजन, और टोटल कंफ्यूजन। तो इसलिए विवेक के आनंद को लेने के लिए इस तरह के एक्सपोजर देना, आप लोगों को हिट करना, आपके माइंड्स के ऊपर आपको बार बार आघात पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो आप लोगों ने इसको सुना, उसके लिए धन्यवाद है। उसके बाद आप लोगों के अध्यापक जिन्होंने ये उत्साह दिखाया कि इस तरह का एक प्रयोग किया जा सकता है, ये कार्यक्रम अपने आप में एक प्रयोग है। 100-125 लोग बैठ करके एक विषय पे चर्चा को सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, यही एकाग्रता तो चाहिए, यही ध्यान तो चाहिए इस कॉलेज के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस मनुष्यता के लिए। और अगर ये ध्यान हमारा सिद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से मनुष्यता के दुख दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो इसलिए आपके अध्यापक धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये उत्साह दिखाया, और निरंतर मैं ये अपेक्षा करता हूं कि वो भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। इसके साथ मैं भारत विकास परिषद, जो कि निरंतर इस कॉलेज का हमेशा सहयोग करती रही है, उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये विवेकानंद की जो आप प्रतिमा देखते हैं कॉलेज के एंटर करते ही, वो उनकी ही देन है, उनके ही उत्साह का वो एक प्रतिमान हमारे सामने है, एक मूल्य है। तो उनका हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों में हमेशा सहयोग रहा है, जब कभी भी हमने उनसे कोई प्रार्थना की है, निवेदन किया है, उन्होंने हमेशा स्वीकार किया है, और हर तरह से उन्होंने सहायता भी की है, आर्थिक भी हो या दूसरी सहायता अपेक्षित हो तो उन्होंने की है। उसके साथ विवेकानंद विचार मंच अम्बाला, इनके भी हम बहुत आभारी हैं। अगर इन्होंने इनिशिएटिव ना लिया होता, तो सागर जी ने, तो अगर इन्होंने इनिशिएटिव ना लिया होता तो ये शायद मौका हम चूक जाते। हम लोग सामान्य रूप से विवेकानंद शताब्दी मना लेते हैं, जब भी उनका जन्मदिन होता है जरूर करते हैं, लेकिन शिकागो का जो एड्रेस है, जो उनका उद्बोधन है, उस पर विशेष रूप से कम मैंने तो आज बहुत सालों बाद ही सुनी है। और मैं चाहूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा, बैठे हुए जो जितने भी छात्र हैं, कि आप लोग एक बार उस उद्बोधन को पढ़ लें, जो उनका 11 तरीका है और जो उनका 27 तरीका, दो उद्बोधन महत्वपूर्ण है, पहला और अंतिम जो उद्बोधन है, दोनों को एक बार पढ़ें और फिर उस दृष्टि से आप अपने अपने विषय का मूल्यांकन भी करें। आपको पता लगेगा कि आपके भारतीय होने का अर्थ क्या है। भारतीय होने का ये मतलब नहीं है कि केवल आप भारत में पैदा हो गए हैं और आपको यहाँ पे नौकरी मिल गई और आपको सुख सुविधाएं मिल गई, उसके लक्ष्य कुछ और हैं। तो जरूर मेरा ये आग्रह रहेगा और अध्यापकों से भी निवेदन रहेगा कि आप लोग अपने क्लास में जरूर स्टूडेंट से ही पढ़वा दें, ऑनलाइन अवेलेबल है, एक बार केवल रीडिंग कर दें, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि कैसी भाषा, कैसा विचार, कैसे शब्द हमें प्रयोग करने चाहिए और क्या हमें वो आते हैं, नहीं आते तो हम उसको ग्रहण कर लें। इसके बाद मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री प्रदीप खेड़ा जी को,
जी का, जो माननीय जिला संघ चालक हैं अंबाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, हमेशा उनका स्नेह हम लोगों के साथ बंधा रहा है और हमेशा उन्होंने हमारे उत्साह भी दिया है और समर्थन भी दिया है। उसके साथ मैं श्री ओंकार जी का, जो जिला कार्यवाह है अंबाला शहर, भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कॉलेज के प्राचार्य के बिहाफ पे और समस्त प्राध्यापक वृंद की ओर से। और उसके बाद श्रीमान सुंदरलाल जी जो विभाग प्रचारक हैं अंबाला विभाग के, उनके प्रति कॉलेज की ओर से निवेदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अंत में आज के मुख्य वक्ता, जिन्होंने आप सबको प्रभावित किया है अपनी ओजस्वी वाणी से, अपने विचार से, अपने वक्तृता की प्रबुद्धता से, आप सभी को जिन्होंने प्रभावित किया है, डॉक्टर सुंदर पाल जी जो कि सह प्रांत प्रचारक हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप जैसे जो ओजस्वी विचारक हैं, प्रवक्ता हैं, जो कम्युनिकेट करना जानते हैं, कम्युनिकेशन के जो स्किल्स हैं उसके ऊपर जिनकी महारत है, विचार के ऊपर जिनकी गहरी पकड़ है, शब्दों के साथ जो जानते हैं कि कैसे जादू किया जाता है, उनके प्रति हम अपना हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप सभी ने अपना समय दिया, यहाँ उपस्थित हुए और आज हमने एक यज्ञ संपन्न किया है। और यज्ञ और योग ये दो शब्द हैं, ये सीख के जाने चाहिए, कोई ये धार्मिक शब्द नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है पार्टिसिपेशन, यज्ञ का मतलब है पार्टिसिपेशन, और कोई परिभाषा नहीं है यज्ञ की। और योग का मतलब है जो हमें उपलब्ध नहीं था वो हमें मिला। तो आज ये दो शब्दों के साथ विवेक के आनंद को लेते हुए आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारे जो आए हुए अतिथिगण हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस में चाय के लिए सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर, हाँ, और उसके बाद सभी विद्यार्थी अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसके बाद यहाँ से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, एक मिनट बैठ के रहिए, आप सबके भी फोटोग्राफ कर दीजिए। सर आप आ रही हैं, आप यही बच्चों में कुछ सर देख लेना सारे आ रहे हैं, दो तीन क्लिक कर दो। ठीक है, एक बार इधर आ जाइए, पीछे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। मैडम मीनाक्षी बेशक आप ऑफ कर दीजिएगा, हाँ हाँ इधर सामने आ जाए, बीच में वेल के बीच में आ जाए, बच्चे आप इधर आ जाओ।